हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपकी एक गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसको कन्वर्ट करना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। ओके, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली होता क्या था कि अगर कोई एक वेरिएबल है, या तो वो दो वेरिएबल को डिराइव करेगा या तो एक वेरिएबल किसी टर्मिनल को डिराइव करेगा। ओके, ये सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होगी, बाकी तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ओके, और हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर सपोज दैट आपका स्टार्ट वेरिएबल जो होगा, स्टार्ट वेरिएबल अगर सपोज दैट यहाँ कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए क्या कर सकता है, नल को डिराइव कर सकता है। ओके, यहाँ सिर्फ एक चीज़ हम देखेंगे, चाहे वो आपका जी एन एफ हो या सी एन एफ। जी एन एफ क्या है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो दैट मीन्स स्टार्ट वेरिएबल नल को डिराइव कर सकता है, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल नल को डिराइव नहीं कर सकता। इवन ये पॉसिबिलिटी के अलावा सिर्फ नल आ सकता है अगर आपका स्टार्ट वेरिएबल नल को डिराइव कर रहा हो। ओके, दैट मीन्स नल को डिराइव कर रहा है स्टार्ट वेरिएबल, दैट मीन्स अगर कोई एक लैंग्वेज जिसमें नल स्ट्रिंग प्रेजेंट है तो वो स्टार्ट वेरिएबल उसको डिराइव कर देगा। ओके, तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ वेरिएबल कौन कौन से, कैपिटल एस, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये तीन वेरिएबल हैं। अब इनको हमें कन्वर्ट करना है इस ग्रामर को किसमें, सी एन एफ में। तो सी एन एफ का फॉर्म क्या होता है, ए डिराइव बी सी और ए डिराइव स्मॉल ए। यहाँ कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है, तो नल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ सिर्फ यही दो चीज़ें देखेंगे। ओके, तो दैट मीन्स ए डिराइव बी सी एंड ए डिराइव स्मॉल ए। तो अब यहाँ देखेंगे कौन कौन सी प्रोडक्शन जो है वो आपकी सी एन एफ में है। तो यहाँ ये प्रोडक्शन सी एन एफ में नहीं है, पहली प्रोडक्शन, दूसरी प्रोडक्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या कर रहा है, तीन टर्मिनल को डिराइव कर रहे हैं। यहाँ क्या है आपका, एक ये सी टर्मिनल है, यानी ये क्या है, स्मॉल सी, दैट मीन्स सी आपका वेरिएबल नहीं है। ओके, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपली, तो यानी जहाँ जहाँ आपका वेरिएबल, क्योंकि ये क्या है, यहाँ तीन टर्मिनल है और यहाँ एक टर्मिनल है, यहाँ एक टर्मिनल है, तो जहाँ जहाँ टर्मिनल है उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल से सब्सिट्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कैपिटल यानी स्मॉल ए को सपोज लिख दिया एक्स डिराइव स्मॉल ए। ओके, यानी एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया सिंपली, जहाँ जितने भी अगर सिंगल टर्म है तो वो ऑलरेडी सी एन एफ में, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे एक नया वेरिएबल सब्सिट्यूट कर देंगे। ओके, तो अगर इसको हमने ए डिराइव कर दिया, यानी कैपिटल एक्स अगर ए को डिराइव करा, तो ये मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगी, एस डिराइव कैपिटल ए कैपिटल बी एंड एक्स, ये हो गया। और कैपिटल ए डिराइव क्या हो जाएगा, चूंकि एक्स जो है वो ए को डिराइव करा, तो यहाँ टू टाइम्स ए है, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम एक्स फॉलोड बाई बी। तो बी भी यहाँ डिराइव हो रहा है, तो क्या करें, वाई ले लें। ओके, तो वाई डिराइव स्मॉल बी। ओके, क्योंकि यहाँ क्या है आपका बी सिंबल है, तो बी सिंबल हम क्या करेंगे, वाई वेरिएबल से बी सिंबल डिराइव हो रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वाई। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, बी डिराइव क्या है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए ऑलरेडी वेरिएबल है, और यहाँ क्या है, स्मॉल सी, तो एक्स वाई जेड ले लिया। ओके, जेड क्या करा, स्मॉल सी को डिराइव करा, तो यहाँ क्या लिख दिया, ए जेड। तो इतना सब्सटीट्यूशन करने का, यानी ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं, एक्स डिराइव स्मॉल ए, वाई डिराइव स्मॉल बी एंड जेड डिराइव स्मॉल सी। ओके, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी आपके टर्मिनल्स होंगे उसकी जगह पे एक नया वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर देंगे और उस प्रोडक्शन को इसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है, ये अब देखेंगे कौन कौन सी यहाँ प्रोडक्शन सी एन एफ में है। तो ये सी एन एफ में हो चुकी, क्योंकि क्या कह रहा है, एक वेरिएबल सिंगली एक सिंपली एक टर्मिनल को डिराइव कर रहा है, ये भी एक टर्मिनल को डिराइव कर रहा है, यानी ये तीनों प्रोडक्शन क्या है आपकी, सी एन एफ में है। और बी डिराइव ए जेड, तो यहाँ ए क्या है, वेरिएबल, जेड क्या है, वेरिएबल, तो क्या हो सकता है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल को डिराइव कर सकता है, इसका मतलब ये भी सी एन एफ में है। ओके, अब सिर्फ देखते हैं कैपिटल एस कैपिटल ए, ये आपके सी एन एफ के फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है आपका, तीन वेरिएबल राइट हैंड साइड में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, या तो ए बी को हम एक नया वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर देंगे, या बी एक्स कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, यानी ए और बी को एक साथ कंबाइन करके कलेक्टिवली एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, या बी एक्स। ओके, ऐसे ही क्या करेंगे आपका, यहाँ टू टाइम एक्स या एक्स वाई कोई सा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ हमने क्या किया, एक्स वाई जेड ऑलरेडी ले चुके हैं, तो एक वेरिएबल ले लिया टी, टी डिराइव्स ए बी। ओके, टी डिराइव्स ए बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एस डिराइव्स ए बी की जगह क्या आ चुका है, टी, तो क्या हो जाएगा, टी एक्स। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन होगी, उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कि एक वेरिएबल दो वेरिएबल को डिराइव करे, या एक वेरिएबल सिंगल टर्मिनल को डिराइव करे। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए डिराइव्स अगर टू टाइम एक्स को ले लिए डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा, टू टाइम एक्स। ओके, और इसके जगह पे क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, डब्ल्यू वाई। ओके,
दैट मीन्स इस टू टाइम्स एक्स को एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, वो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स एक्स, और इसकी जगह पे सब्सिट्यूट कर दिया डब्ल्यू, और ये ऑलरेडी आपका क्या है सी एन एफ में, तो एज इट इज ए जेड लिख, ए जेड लिख देंगे। फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका, एक्स डिराइव सिंपली स्मॉल ए, वाई डिराइव स्मॉल बी, एंड जेड डिराइव स्मॉल सी। तो दैट मीन्स यहाँ टोटल कितनी प्रोडक्शन थी, तीन। क्वेश्चन इनिशियली क्वेश्चन में कितने प्रोडक्शन थे, टोटल थ्री। इसको जब हमने कन्वर्ट किया सी एन एफ के फॉर्म में, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि अगर हम सी एन एफ, यानी कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन होगी, उसको सी एन एफ में कन्वर्ट करें, तो ज़रूरी नहीं हो सबका यूनिक आंसर है। यूनिक आंसर मीन्स यहाँ हमने वेरिएबल एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू इंट्रोड्यूस किया, कोई इसकी जगह पे पी क्यू आर एस टी इस तरीके से लिख सकता है, यानी क्योंकि वेरिएबल का डिफरेंस आ सकता है, तो इसलिए जो है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जब हम कन्वर्ट करेंगे वो क्या होगा, आपका यूनिक आंसर नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको क्वेश्चन, बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, तो सिंपली आएगा कि सिंप्लीफाई द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो उसमें नल प्रोडक्शन भी हो सकता है आपका, यूनिट प्रोडक्शन भी हो सकता है, और यूजलेस प्रोडक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नल प्रोडक्शन एलिमिनेट करेंगे, फिर यूनिट प्रोडक्शन, देन यूजलेस प्रोडक्शन। उसको एलिमिनेट करने के बाद जो रिजल्टेंट आपकी ग्रामर होगी वो इस तरीके के फॉर्म में होगी, दैट मीन्स इसमें ना कोई नल प्रोडक्शन होगा, ना यूनिट प्रोडक्शन, और ना ही कोई यूजलेस प्रोडक्शन होगा। उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे सी एन एफ के फॉर्म में। ओके, तो ये था आपका कन्वर्जन फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू चॉम्स्की न्यूमेरल फॉर्म। तो ये एक क्वेश्चन और इसमें डिस्कस करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपकी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसको कन्वर्ट करना है सी एन एफ में। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्शन है जो ऑलरेडी सी एन एफ में है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी प्रोडक्शन होंगी जो आपकी सी एन एफ में नहीं होंगी उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या है आपका, ये आपकी सी एन एफ में नहीं, ये भी सी एन एफ में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, सिंपली क्या है आपका, ए डिराइव स्मॉल ए और ए डिराइव स्मॉल बी, ये सिर्फ सी एन एफ में, बाकी कोई भी प्रोडक्शन सी एन एफ में नहीं है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली क्या होगा, जो जो यानी जहाँ जहाँ आपके टर्मिनल्स होंगे उसकी जगह पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, एस डिराइव्स, अगर इसकी जगह पे हमने लिखा एक्स, सपोज दैट एक्स, तो एक्स क्या डिराइव कर रहा है, स्मॉल बी को। ओके, यानी एक्स अगर स्मॉल बी को डिराइव कर रहा है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स ए, और ए सपोज दैट नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, स्मॉल ए, तो इसकी जगह क्या लिख दिए, वाई, तो वाई डिराइव्स क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल ए। यानी एक्स क्या कर रहा है, बी को डिराइव कर रहा था, तो इसकी जगह पे क्या कर दिया, एक्स सब्सिट्यूट कर दिया, और इसकी जगह क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, वाई कैपिटल बी। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ए डिराइव्स क्या है, ए डिराइव्स यहाँ क्या है आपका, बी, और बी किसके लिए था, कैपिटल एक्स के लिए, तो क्या लिख देंगे, कैपिटल एक्स फॉलोड बाई टू टाइम्स ए। ओके, और उसके बाद क्या आ जाएगा, स्मॉल ए किसके लिए, स्मॉल ए क्या है आपका, वाई के लिए, तो क्या आ जाएगा, वाई कैपिटल एस एंड ए। ओके, नेक्स्ट है आपका स्मॉल ए, स्मॉल ए किसके लिए, वाई, तो दैट मीन्स बी डिराइव्स वाई बी बी, एंड बी किसके लिए था आपका, एक्स के लिए, तो एक्स एंड बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ एक डाउट ये हो सकता है कि जब ऑलरेडी कैपिटल ए स्मॉल ए को डिराइव कर रहा था, यहाँ क्या है, कैपिटल ए क्या कर रहा है, स्मॉल ए को डिराइव कर रहा है, और कैपिटल बी स्मॉल बी को डिराइव कर रहा है। ओके, तो हम इसकी जगह पे कैपिटल ए क्यों नहीं सब्सिट्यूट किए, ये एक डाउट हो सकता है। तो ऐसा इसलिए नहीं कि अगर ये सिंगल होता, सिंपली सिंगल मतलब ये कि अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्शन होती ए डिराइव स्मॉल ए, तब तो इसको इसकी जगह सब्सिट्यूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है आपका, दो डिफरेंट प्रोडक्शन और है, तो इससे क्या होगा, अगर हमने यहाँ कैपिटल ए सब्सिट्यूट कर दिया नॉर्मली यहाँ, सॉरी, यानी इसकी जगह पर क्या सब्सिट्यूट करेंगे, यहाँ इसकी जगह पर कैपिटल बी सब्सिट्यूट, क्योंकि कैपिटल बी क्या करा है, बी को डिराइव करा। ओके, तो कैपिटल बी अगर यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे स्मॉल बी की जगह पे, तो प्रॉब्लम क्या है कि बी क्या करेगा, इसको भी डिराइव करा है, इसको भी डिराइव करा है, तो इसकी जगह यहाँ भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगी, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अगर सिंपली क्या होता, सिंपली क्या होता, बी डिराइव्स सिंपली स्मॉल बी, अगर सिर्फ एक प्रोडक्शन होती, बाकी ये दोनों प्रोडक्शन नहीं होती, तो डेफिनेटली उसको सब्सिट्यूट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ये अलग, यानी ये भी स्ट्रिंग आ जाएगी, ये भी, यानी दो प्रोडक्शन इसकी जगह और सब्सिट्यूट कर सकते हैं, और यहाँ क्या था, सिंपली स्मॉल बी, तो स्मॉल बी का मतलब सिंगल टर्मिनल था, इसकी जगह पे अगर कैपिटल बी सब्सिट्यूट करेंगे ये दो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसको कन्वर्ट करेंगे सी एन एफ में, तो लैंग्वेज चेंज नहीं हुई, वही लैंग्वेज जो इससे जनरेट होगी सेम यही इससे भी जनरेट होगी। ओके, ये दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए, कैपिटल एक्स बी को डिराइव करा और कैपिटल वाई ए को डिराइव करा,
जहाँ जहाँ आपका बी टर्मिनल होगा वहाँ कैपिटल एक्स सब्सटीट्यूट कर दिए, जहाँ आपका वाई सॉरी ए होगा उसकी जगह पे वाई सब्सटीट्यूट कर दिए। तो यहाँ आपका वाई हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, ओके। और यहाँ एक्स एक्स एंड एक्स, ओके। अब देखेंगे कौन कौन से आपके किसमें सी एन एफ में हो चुके हैं। ये आपका सी एन एफ हो गया, ये सी एन एफ में है, ये सी एन एफ में है, ये है और ये है। बाकी ये दो प्रोडक्शन जो है वो आपके सी एन एफ के फॉर्म में नहीं है, तो इसको चेंज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए डिराइव्स, अगर इसको यानी टू टाइम्स ए को ले सकते हैं या एक्स ए किसी को भी ले सकते हैं, टू टाइम्स ए और टू टाइम्स बी, यही दो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दैट मीन्स एक्स वाई, अगर सपोज दैट हमने ले लिया जेड, जेड डिराइव्स टू टाइम्स ए, ओके, और Z के बाद W ले लिया, W डिराइव्स टू टाइम्स B, ये भी सी एन एफ के फॉर्म में आ गया। और क्या है आपका Z, क्या है टू टाइम्स A है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे एक्स जेड, ओके। यानी टू टाइम्स A की जगह पे क्या कर दिया, Z को सब्सटीट्यूट कर दिया, और वाई एस ऑलरेडी था और स्मॉल a ऑलरेडी था, S डिराइव्स एक्स ए वाई बी, ये ऑलरेडी था, और B की जगह क्या आ जाएगा, B डिराइव्स टू टाइम्स बी है, दैट मीन्स बी डिराइव्स वाई एंड टू टाइम्स बी किससे जनरेट हो रहा है, वेरिएबल डब्ल्यू से, तो इसकी जगह पे डब्ल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ओके। और बाकी रेस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन है वो लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा बी। और एक्स क्या कर रहा है, एक्स आपको डिराइव, एक्स डिराइव कर रहा है बी को और वाई डिराइव कर रहा है ए को। तो दैट मीन्स ये आपकी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी, इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। तो वहाँ टोटल इतनी प्रोडक्शन थी, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स कितने नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए इसमें, 4, ओके। तो ये हो जाएगा कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ओके।